हमने तो ये सोचा था कि हम तुम्हारे सुखों के साथ साथ तुम्हारे दुख भी बांट सकते। बापू, अगर ऐसे कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपका आवाज दूंगा। लेकिन बेटे, तुम तो ये भी नहीं जानते कि बादशाह जिंदा है या नहीं। बेटे, हमने तो ये सोचा था कि हम तुम्हारे सुखों के साथ साथ तुम्हारे दुख भी बांट सकते। बापू, अगर ऐसे कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपका आवाज दूंगा। लेकिन बेटे, तुम तो ये भी नहीं जानते कि बादशाह जिंदा है या नहीं। वो जिंदा है या नहीं, मेरा पहला कदम यही जानने के लिए उठेगा, और अगर वो मर गया तो मेरा दूसरा कदम उसकी मौत का सबूत ढूंढेगा। उसने पापा से कहा था कि उसकी जीवन रेखा कानून की रस्सी से बहुत लंबी है। पापा, मैंने अपने माता पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया, मुझ पर उनका यह बहुत बड़ा उधार है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो बेटा, मेरी ममता तुम्हारी रक्षा करेगी। चलता हूं। बेटे, एक बात याद रखना, जो कुछ भी मैंने तुझे सिखाया है सिर्फ बदले के लिए नहीं, दुनिया की भलाई के लिए भी। बादशाह की मौत की खबर विदेश से आई थी और पुलिस के पहुंचने से पहले उसकी लाश को जा दिया गया था। कानून ने उसे मरा हुआ करार देकर फाइल बंद कर दी। काश पापा ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय खत्म कर दिया होता, ना मैं माँ बाप खोता और ना ही अनाथ होता। कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। रवि, कातिल को पकड़ने में हम खुद कातिल नहीं बनते। इसीलिए तो जुर्म फल फूल रहा है। कानून वो बनाइए जो सर उठाते ही सांप को कुचल डाले, और अगर ये आपकी पुलिस से नहीं होता तो दीजिए जनता के हाथ में तलवार। जुर्म को खत्म करना है तो किताबी लड़ाई मत लड़िए, हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर और जान के बदले जान, यही इलाज है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते जो सौगंध मैंने उठाई है उसका पालन करना मेरा धर्म है। रही तुम्हारी बात, तो मेरे छोड़े हुए धागे तुम उठा लो। मैं तुम्हें एक ऐसी सीढ़ी का पता बताता हूँ जो शायद उसी जीने की पहली कड़ी हो, जो तुम्हें बादशाह की जिंदगी तक नहीं तो कम से कम उसकी मौत तक जरूर पहुंचाएगी। बताइए कहाँ? एक मुखबिर है, सिकंदर। पता? जबानी याद रखना, लिखने की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। हाँ, पाटकर हाउस के पिछवाड़े, आजाद रोड, मूसा खेड़ी। कौन हो तुम? मुझे आचार्य जी से मिला। ये माइकल का घर है, यहां कोई आचार्य नहीं रहता। ये आचार्य जी का ही घर है, माइकल का नहीं। बाहर लगा हुआ नाम का बोर्ड क्या झूठा है? कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें?
डीसीपी साहब ने। बोलो किसके आदमी हो और यहाँ क्यों आए हो? मुझे सिकंदर से मिलना है। कौन सिकंदर? सिकंदर से क्या काम? ये मैं सिकंदर को ही बताऊंगा। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो अपनी असलियत बताओ। मैं एक शिकारी हूँ, एक खूनी भेड़िया को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम बादशाह है। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। सिकंदर से मिलना चाहते हो? हाँ। खतरों से मुकाबला करने की है हिम्मत? जिंदगी मौत से डरती है, मौत जिंदगी से नहीं। पलासिया में एक नाइट क्लब है, कल रात वहां आ जाना, सिकंदर से मुलाकात हो जाएगी। क्या मतलब है इस ज्यादती का? मुझे यहां बुलाकर मुझ पर हमला क्यों किया गया? तुम इस खूनी खेल के काबिल हो या नहीं, सिकंदर आजमाना चाहता था। हो गई आजमाइश? हाँ। तो बताओ सिकंदर कहां है? तुम्हारे सामने। तुम? नहीं, सिकंदर ये है। तुम? सिकंदर तुम हो? हाँ, मैं ही सिकंदर हूं। आप दोनों असलियत में कौन है, क्या है? तुम्हारे हमसफर। हमसफर? क्या मैं पूछ सकता हूँ आप दोनों को भी बादशाह की तलाश क्यों है? जख्मी शेर शिकारी को क्यों ढूंढता है? मैं समझा नहीं। और समझने की जरूरत भी नहीं। एक आदमी है जिससे हमें बादशाह के बारे में रोशनी मिल सकती है। कौन है वो? कहाँ रहता है? रहता भोपाल में है। नाम वजीर। दिखावे के लिए होटल का धंधा करता है, लेकिन अंदर से सब गैर कानूनी धंधे करता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके पास पहुंचने का रास्ता निकाला है। ठीक 12 बजे बैंक का सारा सिक्योरिटी सिस्टम, उसका अलार्म, उसका टेलीफोन सब काट दिया जाएगा। 12 बजे एक बारात वहां से गुजरेगी और 12:01 पर तुम सब बैंक में दाखिल हो जाओगे। 4 के अंदर अंदर तुम्हें अपना काम करना है। बाहर बैंड और पटाखों की आवाज में बैंक के मुलाजिमों की शोर पुकार, तुम्हारी गोलियों की आवाज सब के सब दब जाएंगे और 4 के अंदर अंदर तुम जेवरात और पैसे लेकर वहां से निकल जाओगे। ऐसा क्या? बिल्कुल, हर बैंक डकैती में यही जोग्राफिया तो होता है। मतलब 15 से मैं तुम्हारी शागिर्दी कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस तुमने मेरी एक आरजू पूरी नहीं की। कौन सी आरजू? उस्तादों के उस्ताद के दर्शन कराने की। मेरा जवाब जानते हो? उस्ताद बादशाह मर चुका है, यही जवाब तुम मुझे 15 से देते आ रहे हो। फिर भी तुम्हारी जबान बंद नहीं होती? क्योंकि जबान मेरे मुंह में है और कहती है कि बादशाह जिंदा है। मैं कहता हूँ बादशाह मर चुका है। अगर बादशाह मर चुका होता तो तुम वजीर से बादशाह बन चुके होते।
जगह। सर, ये रस्सी अब सांप बनती जा रही है, काम हो जाने के बाद इसे मोटर में बिठा देना और समझ गया। बैंक डकैती के बाद ये राज जानने वाला एक और शख्स कम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। मत, तुम जीप में बैठो। तुम भी तो चलो, वजीर ने दोनों को साथ जाने के लिए कहा है। बहस मत करो, तुम जीप में बैठो। लेकिन मिलोगे कहां? ऊपर। ऊपर? ऊपर कहां? मेरी खोपड़ी मत काटो, तुम जाओ जीप में। लाश की शनाख्त हुई इंस्पेक्टर तिवारी? सर, हमारे रिकॉर्ड से ये 15 साल पुरानी तस्वीर मिली है, ये देखिए। कुछ जानी पहचानी सी शक्ल लगती है। ये तो हिम्मत सिंह है, बादशाह का पुराना साथी। सर, बैंक डकैती का वही तरीका, वही बारात, वही टाइमिंग, वही परफेक्शन। अगर हिम्मत सिंह जिंदा है सर, तो बादशाह भी जिंदा हो सकता है। तुम ठीक कहते हो सर, मेरा शक भी यकीन में बदलता जा रहा है। सेवक राम जी, ये रहा पार्टी का फंड। धन्यवाद। और ये रहा सेवकराम वेलफेयर फंड। सुना है कि पुलिस ने हिम्मत सिंह का अतीत खोज निकाला है, संभव है कि उनकी खोज में गति आ जाए। तो उस गति को मंदा करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य का पालन तो हम सदा से करते आए हैं। और बादशाह की मृत्यु हो चुकी है, इसका प्रचार भी तो हमने किया है। लेकिन अगर पुलिस को दोबारा शक हो गया है, तो उस शक को दूर करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे, ऐसे कार्य तो हम सफलता से निभाते आए हैं। यदि तुमसे हम प्रसन्न रहे तो आगे भी। सेवक राम जी, सुना है पानी में रहकर मुंह बंद रखना चाहिए, वरना उसे सांस रुकने का अंदेशा होता है। हमने भी सुना है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। जय हिंद। मिस रूपा, हमारे शो की नई डांसर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय हिंद। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी नहीं सर। जय हिंद। मेरा आसमान, इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दो। रूपा जी, मैं MP हूँ, सेवक राम मेरा नाम है। किसी चीज की भी आवश्यकता हो तो मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगी तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। जी शुक्रिया। हाय हाय, लुट गए, बर्बाद हो गए वजीर। ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों बिच्छू शरीर में डंक मार रहे हैं। अरे ये सब कुछ ले लो, आज से मैं तुम्हारा सारा कार्य बगैर धन के करूंगा। केवल इतना करो कि इस संगमरमर की दीवार में मेरे लिए एक द्वार खोल दो।
सेवक राम जी, मैं अरे क्या सोच रहे हो, तुम भेंट निश्चित करो फिर मैं जानू और वो। खैर ठीक है, आप रात को शो में आ जाइए, कोशिश करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हम लोग अपने आप को बुरा समझते हैं, ये लोग नेता हैं, जनता इनको वोट देती है। वाह जनता। आपने मुझे बुलाया सर? याद करने में और बुलाने में थोड़ा फर्क है। एकदम नंगा।